हेलो गुज्जू, हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। केम छो मजामा भाई लोग, 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना मांगता, क्योंकि आज अपुन जिस मामा की कहानी सुनाएगा ना, वह पेंथर का माँ भी कब किधर से कहाँ से अपने शिकार को दबोच लेता है, आज तक किसी को मालूम ही ना हुएला। इसका किडनैपिंग करने का जो तरीका है ना, बोले तो एकदम इच खल्लास। क्राइम की दुनिया में इसे कहा जाता है किडनैपिंग किंग, बोले तो बबलू श्रीवास्तव। बीडू अंडरवर्ल्ड में ऐसे कई छपरी लोग हैं जो गांव कस्बों से निकलकर क्राइम की दुनिया में दादा बन गए है। ये मामूलों कांड करते करते इतना आगे निकल गए कि शहरत पार के देशों में भी इनकी तुत्ती बोल रहे थे। ऐसा ही एक कॉलेज का छोकरा किडनैपिंग किंग बन घर बाहर आए। मामा इस माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम है ओम प्रकाश श्रीवास्तव। छोकरा यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। इसका घर था आमघाट कॉलोनी में। इसका बापू बोले तो विश्वनाथ प्रताप GTI में प्रिंसिपल थे, और बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल है। ये कहानी मानो ऐसी हो गई, एक माँ के दो बेटे, एक बना राम दूजा रावण। बबलू श्रीवास्तव ने एक बार इंटरव्यू में बताया कि अपुन का ख्वाब था अपुन IAS अधिकारी बनेगा, मगर साला किस्मत ने ऐसा गलती मारा कि अपुन अधिकारी जरूर बना मगर क्राइम का। बबलू की लाइफ में सब कुछ सही जा रहा था। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में वकीलात का स्टडी कर रहेला। 1982 में उधर छात्र संघ का चुनाव हो गया। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार एकदम ही रापचिक चल रहेला। स्टूडेंट नेता लोग एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसी दौरान दो छात्र गुटों में लफड़ा हो गया, जिनमें से किसी ने एक छात्र को रामपुरी चप्पू घुसा डाला। घायल लौंडे का संबंध था लखनऊ माफिया अरुण शंकर शुक्ला और अन्ना से। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव के मथे झूठा केस ठोकवा कर जेल भेज दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला केस था जिसने बबलू के जमीर को हिला डाला। बबलू कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर आया, मगर अन्ना ने भीड़ से स्कूटर चोरी का झूठा मुकदमा लगवाया। यानी पुलिस और अन्ना एक नॉर्मल लौंडे को खूंखार अपराधी बनाने पर तुले थे। इसके बाद बबलू के मध्य एक के बाद एक चोरी के कई झूठे मुकदमे लगे। बबलू का तो साला खोपड़िया ही झेंग हो गया। परेशान होकर बबलू ने घर छोड़ दिया। अब एक हॉस्टल में रहने लगा। तभी उसका सेटिंग हुएला अन्ना के विरोधी माफिया बोले तो रामगोपाल मिश्र से। बस यही वो टाइम था जब देश के लिए कुछ करने की सोच रखने वाला लौंडा ओम प्रकाश श्रीवास्तव बन गया क्राइम की दुनिया का बबलू श्रीवास्तव, जो आगे चलकर अक्के यूपी में तांडव मचाने वाला था। अब लोग ही शिक्षा हासिल करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना चुका था। साला तांडव मचेगा, अब मैदान में उतर चुका था रावण। इस रावण ने अपराध की दुनिया में धंधे को चुना अपहरण का। इस धंधे को अपना फुल टाइम जॉब बना डाला। अब तो कभी व्यापारी नेता खुद पुलिस वालों के घर में घंटियां बजने लगी, जिसमें एक किस बात कही जाती, तेरा छोरा या चोरी उठा लिया गया, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ टाइम पे भेज देने का वरना काट डालेगा मई। नाम याद रखना बबलू श्रीवास्तव। बिहार यूपी महाराष्ट्र राजस्थान से लेकर देश के कई राज्यों में बबलू श्रीवास्तव के नाम की FIR दर्ज होती गई। पुलिस परेशान होती गई। इधर बबलू लाशों का ढेर लगाता गया और जुर्म की दुनिया में उसे एक ब्रांड मिला, बोले तो किडनैपिंग किंग ऑफ बबलू श्रीवास्तव। 1984 से शुरू होएला उसका आपराधिक ग्राफ मानो बुलेट ट्रेन बन चुका था। अब तक उसके मध्य हत्या, रंगदारी वसूली, किडनैपिंग जैसी कई धाराएं लग चुकी थी। 90 का दौर शुरू होने को था। यूपी पुलिस बबलू का पुंगी बजाने को रेडी था। बबलू मामा की फट गई डायरेक्ट मारी गलती नेपाल। 1992 में नेपाल से भागा जा पहुंचा दुबई, जहां नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलशाद बेग ने उसका सेटिंग करवाया दाऊद से। सिर पर दाऊद का हाथ क्या आया कि बबलू मामा तो बावराइज हो गया। अब मामा का जलवा भारत के बाहर भी होने लगा था। कई देशों में स्मगलिंग का एक बड़ा सिंडिकेट चलाने लगा। मगर 1993 में अचानक बम्बई धमाका हुए, अक्खा बम्बई जला, जिसमें दाऊद का नाम आ गया। यही वह समय था जब छोटा राजन बबलू श्रीवास्तव समेत कई दादा लोग ने टी कंपनी को अलविदा कह दिया।
यूं तो अपने आपराधिक गलियारों में बबलू ने कई ऐसे कांड किए ले जो किसी फिल्मी कहानी से कम ना थे, मगर मामू ने एक ऐसा कांड कर डाला जिसमें उसका बत्ती गुल हो गया। उस दौर में पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे एल डी अरोरा। एक दिन बबलू श्रीवास्तव उसका पंटर मंगा और सैनी ने मिलकर कमिश्नर एल डी अरोरा का बड़े बाजार में राम नाम सत्य कर डाला। इस कांड में तीनों को उम्र कैद की सजा हो गए। मामा अभी कहानी खत्म ना हो ली गलती नहीं मारने का ओके। कई सालों से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब करके एक आत्मकथा लिखी जिसमें उसने अपनी जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा चिपका डाला। साल 1995 में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को मॉरिशस से पकड़ा गया। उसके बाद भारत लाया गया जहां उसके ऊपर 60 केस थे। कहा जाता है कि बबलू के मत से आज 4 केस लंबित है। वहीं डी कंपनी ने कई बार बबलू श्रीवास्तव का हत्या खलास करने का प्लान भी बनाया था। इस वास्ते पेशी के दौरान बबलू श्रीवास्तव को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ बड़ी सुरक्षा के घेरे में लाया जाता है। लास्ट में अपन एक बात बोलेगा, किसी भी क्राइम स्टोरी से इमोशनल नहीं होने का, कभी भी किसी भी अपराधी से प्रेरित नहीं होने का, ना कभी किसी के झांसे में आने का। आपका एक गलत डिसीजन आपका अक्खा जिंदगी का वाट लगा सकता है, तो बी केयरफुल। चलो भाई लोग, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।